नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं प्राइम डिबेट। चमोली में भारी बारिश के चलते आवागमन ठप हो गया था। लगातार हो रहे भूस्खलन की वजह से आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। प्रशासन द्वारा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम राहत कार्य के लिए लगा दी गई है। डीएम स्वाति एस भदौरिया का कहना है कि बंद मार्गों को खोलने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में 131 जेसीबी मशीन लगाई गई है। जिले में 11 लिंक मार्ग भी अभी बंद हैं, जिन्हें एक खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। जनपद में सभी जगह, सभी तहसीलें और सभी लोग अलर्ट पे रखे गए हैं। सभी जगह के कंट्रोल रूम भी कार्य कर रहे हैं और यहाँ पे लगातार सूचनाएं भी आ रही हैं। जैसे ही अगर कोई रोड बंद हो रही है या कहीं पे बिजली आदि की खराबी आ रही है, और रोड्स के लिए भी हमारे पास पूरे जनपद में 131 मशीनें, एक्सकेवेटर, पोखरण आदि तैनात किए गए हैं, और जो कि तत्काल बंद होते हैं उस पर खोलने का काम भी कर रहे हैं। और SDRF की हमारी कुछ टुकड़ियाँ जोशीमठ बद्रीनाथ के साइड में, कुछ हमारी गौचर में, और NDRF भी हमारी यहाँ पे आ चुकी है ऑलरेडी। और जैसे अगर आवश्यकता हो रही है तो उनका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। और बाकी ऑलमोस्ट स्थिति यहाँ पे डीएमसी रविशंकर ने दरगाह पिरान कलियर शरीफ स्थित दरगाह का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां पहुंचकर वहां की कई चीजों का जायजा लिया। डीएम ने दरगाह परिसर की व्यवस्थाओं के संबंध में पदाधिकारियों से भी बातचीत की। डीएम ने कहा कि जो भी कार्य किए जाएं उनमें पुराने हेरिटेज का ध्यान रखा जाए। निरीक्षण के दौरान डीएम को अवगत कराया गया कि ड्रेनेज की व्यवस्था ठीक न होने के कारण आसपास पानी भर जाता है, जिस पर डीएम ने लोगों से कहा कि जल्द ही इसका निवारण कर लिया जाएगा। जो है विभिन्न रिफॉर्म्स जो है करने का प्रयास था। इसी संबंध में CEO वक्फ बोर्ड के साथ जो है कई महीनों से जो है हम लोग वार्ता कर रहे थे। आज यहाँ पे बैठक भी किया गया है। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर जो है चर्चा हुआ। यहाँ का जो मास्टर प्लान पूर्व में जो है 2005 में जो बनाया गया है, उस संबंध में जो है आगे जो है किस प्रकार का हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है, क्या क्या प्रोजेक्ट्स करना है, इस संबंध में डिटेल्ड विचार विमर्श किया है। यहाँ इनकम्प्लीट वर्क्स भी बहुत हैं, तो वो वर्क्स भी कैसे कंप्लीट किया जाए, और यहाँ पे निगरानी जो है कैसे बेहतर किया जाए, और यहाँ पे जो है जो प्रबंधन है और जो उसका ढांचा है वो किस प्रकार का कार्य हो, इस प्रकार का जो है मल्टीपल मुद्दों पर जो है काफ़ी डिटेल्ड चर्चा किया गया है। और विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं को जो है एक समयबद्ध कार्य करने के लिए निर्देश दिया है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी एक एक करके जो है इसका निस्तारण। पौड़ी में CDO आशीष भटगाई ने रेखे विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को ठीक करने पर जोर देने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां दिक्कत हो रही है ऐसे संस्थानों को चिन्हित कर विभाग को 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश कर, साथ ही उन्होंने ये भी कहा हर हाल में ग्राम पंचायत और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हाईटेक किया जाना है, और इसके लिए हमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही वित्तीय रूप से धनराशि देने को तैयार है। तो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को लेकर बेहतर बनाने की ओर चर्चा की गई। पौड़ी गढ़वाल में CDO आशीष भटगाई की अधिकारियों संग भी बैठक हुई, और उन्होंने कहा है कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए सरकार की तरफ से, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों की ही वित्तीय रूप से धनराशि देने के लिए तैयार हो गए हैं। लालकुआ में हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद वाधवा संगठन के कार्यक्रम को लेकर वहां पहुंचे। इस दौरान वहां के कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम समाज को लेकर विवादित बयान दे दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को देश में हावी ना होने दे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुत्व पर उंगली उठाने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इसे जल्द से जल्द लागू किया जाए ताकि देश को एक नई दिशा मिल सके। देखिए, ये समय समय पर हम लोग आवाज़ उठाते रहते हैं और समय समय पर नई नई शक्तियाँ, नई नई युवा पीढ़ी संगठन जुड़ती रहती हैं और अपने कार्य में व्यस्त होती हैं कि किसी कारण से नहीं आ पाते, लेकिन हमने ईश्वर ना देखते हुए हमने संगठन को हमेशा मजबूत करने का प्रयास किया है, और पूरे उत्तराखंड में छोटी छोटी बैठक करके हम हिंदू युवानी संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, और अपनी आवाज़ के माध्यम से जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून का जो नया ड्राफ्ट, जो नई रूलिंग आई है, उसी प्रकार से हम भी चाहते हैं कि उत्तराखंड में भी इस प्रकार से रूलिंग आए, इस तरीके से ड्राफ्ट तैयार हो, ताकि ये जो मुल्ला, मौलवी,
और अब्दुल ओवैसी ये गाने गाते रहते हैं कि हम दो हमारे गिल्लो, हम इनसे बड़े पर... ओबीसी समाज ने एकजुट होकर हरिद्वार के सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया, साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी मांगे रखी। अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय सचिव विजय सिंह पाल ने बताया कि मंडल आयोग द्वारा ओबीसी को 14% का आरक्षण दिया गया था, जिसमें उत्तराखंड सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों से क्षेत्रफल के आधार पर अन्य जातियों को भी ओबीसी में शामिल कर दिया था। वहीं परसेंटेज मात्र 14% होने के कारण ओबीसी के लोगों को उसका फायदा नहीं मिल रहा है। पिछले काफी समय से हम लगातार सरकार को ज्ञापन के माध्यम से सूचित करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। पूरे भारत में उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य है जिन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिशों को, जिसमें ओबीसी समाज को आरक्षण दिया हुआ है, इन्होंने उठा करके उसको ताक पर रख दिया। ओबीसी समाज को जो आरक्षण मिलता है वो सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस को देखकर मिलता है। पूरे उत्तराखंड में इन्होंने सवर्ण जातियों को भी क्षेत्रफल के आधार पर ओबीसी आरक्षण दिया हुआ, और यह आरक्षण मात्र 14% सन 2000 में दिया था, जिस समय उत्तराखंड बना था। आज की तारीख में कम से कम 25 जातीय समूहों को इसमें वर्ग शामिल कर लिया गया। पूरा पूरा मुंशियारी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, टिहरी की पट्टियाँ, सबको उन्होंने क्षेत्रफल के आधार पर ओबीसी समाज में शामिल कर दिया, लेकिन आरक्षण का जो प्रतिशत है वो 14% ही। चमोली में युवा कल्याण विभाग और प्रांतीय रक्षक दल की ओर से एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें महिला मंगल दलों और युवक मंगल दलों को ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए कार्य के लिए सम्मानित राशि देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख, खंड विकास अधिकारी और क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी मौजूद रहे। आज विकासखंड सभागार में हमारे विकासखंड के अंदर 2019-20 में जिन युवक मंगल दल, पंजीकृत महिला मंगल दलों के द्वारा कोविड में अच्छे कार्य किए गए हों, अपने ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधानों के साथ सहयोग से वृक्षारोपण, सफाई अभियान, गांव के अंदर मध्य निषेध, स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के तहत जिन्होंने कार्य अच्छे कार्य किए हैं, उन्हें वार्षिक प्रोत्साहन के लिए विकासखंड में बजट के आधार पर जिले प्लान से 8-10 दलों को प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत किया जाता है। ये पुरस्कार सामग्री जिले से ही आती है, उसमें हमारे विकासखंड में आज हमने 32 दलों को युवक और महिला मिलाकर उन्हें विवेकानंद अवार्ड और खेल सामग्री, महिलाओं के लिए दरी और ढोलक, युवाओं के लिए बैडमिंटन सेट, वॉलीबॉल सेट आज पुरस्कृत किया है। तो चमोली में युवा कल्याण विभाग और प्रांतीय रक्षक दल की ओर से ये सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें महिला मंगल दलों और युवा मंगल दलों को ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए कार्यों से सम्मानित राशि देकर उन्हें सम्मान दिया गया। लक्सर में बसेड़ी खादर और सेठपुर गांव में कुछ लोगों ने यूनाइटेड एग्रो लाइफ लिमिटेड के नाम से फर्जी कंपनी खोली है, और इन कंपनी के जरिए लोगों ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया। फर्जी कंपनी के बारे में जब पता चला तब शातिर लोगों का पैसा लेकर फरार हो चुके थे। वहीं इस मामले में जानकारी मिली कि तय सीमा को पूरे होने पर लोगों को राशि देने की बात कही गई थी, लेकिन लोगों को किए गए ये वादे पूरी तरह से खोखले साबित हुए। कंपनी से जुड़े हुए लोगों के बारे में पीड़ितों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने मामले पर संज्ञान लेते हुए तत्काल मामला दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए। फर्जी बीमा कंपनी के MD हैदर अंसारी, डायरेक्टर नौशाद और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया और जांच के लिए भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये दरअसल 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, सतीश कुमार ने दर्ज कराया है, नौशाद आदि के खिलाफ ये FIR दर्ज हुई है, इसमें 606 और 420 ये इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, और जो भी आवश्यक चीज़ें होगी वो बाद इन्वेस्टिगेशन ही बता। तो फर्जी कंपनी ने लोगों के कई पैसे लूट कर फरार हो गए,
जिन लोगों ने इस कंपनी पर पैसे लगाए थे उनको उम्मीद थी कि कंपनी पैसे वापस करेगी, लेकिन कंपनी का एमडी और तमाम लोग इस पैसे को लेकर रफू चक्कर हो गए। वहीं पुलिस में इस मामले में एफआईआर दर्ज करा दी गई है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। रुड़की के आदर्श नगर में दबंगों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसकी ताजा बानगी एक बार फिर देखने को मिली है। यहां कुछ दबंगों ने स्थानीय निवासी पंडित गोविंद गोपाल कौशिक के मकान पर कब्जा करने की कोशिश की। पीड़ित का कहना है कि उनके परिजनों ने ये प्लाट साल 2010 में खरीदा था, लेकिन बीते कुछ दिनों से कुछ लोग हमारे घर का फर्जी दस्तावेज लेकर घूम रहे हैं, हमारे मकान पर अपना हक बताने की कोशिश में है। फिलहाल पीड़ित की तहरीर के आधार पर प्रशासन द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। ऐसा है कि हमारे मम्मी पापा ने जो है 2010 में एक प्लॉट खरीदा था आदर्श नगर में ही, हमारा मकान भी और ये प्लॉट बगल में ही है हमारे। तो आदर्श नगर में जो हमारा मकान और प्लॉट है, अब कुछ लोग जो है आकर के ज़बरदस्ती हमारे से कब्जा लेना चाह रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि हमारा है, क्योंकि हमारे मम्मी हमारी 2012 में एक्सपायर होगी और पापा जो है 2020 में एक्सपायर होंगे। तो अब कुछ लोग फर्जी दस्तावेज लेकर के घूम रहे हैं और रोज हमारा उन्होंने परेशान किया। आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है, अगर किसी व्यक्ति का इंडिविजुअल कोई प्रॉब्लम है या किसी की लैंड है, तो अगर उसके द्वारा कोई कब्जा ना करें इससे क्या उसको परेशानी हो, तो उसके लिए अभी तक उनके द्वारा ऐसा तो कुछ मेरे नॉलेज में नहीं है कि यहाँ पे कोई एप्लीकेशन की है या क्या है। अगर पुटअप की जाएगी। रुद्रप्रयाग में एक कार नदी में जा गिरी। प्रत्यदर्शियों का कहना है कि जब कार डिवाइडर से टकराई तो बैक कर रही थी, तभी यह हादसा हुआ और कार नदी में जा गिरी। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त कार में ड्राइवर समेत दो लोग मौजूद थे, जिन्हें बचाने के लिए लोगों ने कोशिश भी की। फिलहाल किसी के मरने की अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई है। रुद्रप्रयाग में कार नदी में जा गिरी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जब कार ड्राइवर जो था वो कार को बैक कर रहा था, तभी ये हादसा हुआ और कार नदी में जा गिरी। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं मिली है। समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।